हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर स्टडी पॉइंट। तो टुडेज टॉपिक इज फैक्टर इफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। देयर आर मेनली 5-6 फैक्टर्स विच अफेक्ट द ब्लड प्रेशर। And now then will we start these. तो first जो हमारा factor है वो है age. So जो age है वो कैसे हमारा effect करता है, तो जैसे जैसे हमारी age increase होती है, तो जिसकी वजह से जो blood vessel elasticity वो decrease होने start हो जाती है. And due to this the total distensibility भी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है. एंड मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो टोटल डिस्टेंसिबिलिटी है वो हमारी ब्लड प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो इट डिक्रीजेज देन ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज. सो एज एज इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज. एंड दिस फैक्टर विल ऑल्सो डिस्कस इन द लास्ट जो हमारा लास्ट फैक्टर है उसमें भी हम इस एज का फैक्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे. देन उसके बाद हम बात करते हैं हमारी कार्डियक आउटपुट की. तो मैंने बताया था कार्डियक आउटपुट क्या होता है हमारा. इट इज़ द, अगर मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो इट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट. सो जो कार्डियक आउटपुट है वो हमारा डायरेक्टली स्ट्रोक वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है और हार्ट रेट पर भी डिपेंड करता है. और स्ट्रोक वॉल्यूम और हमारा जो हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, जो ब्लड प्रेजेंट होता है हमारे हार्ट में. The presence of arterial system depends upon the volume of heart it contains. और जो arterial system है, जो हमारी arteries है, उसके pressure किस पे depend करता है कि उसमें कितने amount में blood है. So जो stroke volume क्या होता है, stroke volume वो amount of blood है जो ventricle pour करता है हमारी articles में during systolic contraction of ventricles. So जितना ज़्यादा ventricle contract करेंगे उतना ज़्यादा blood हमारा पोर होगा, उतनी ज़्यादा हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगी. और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो हमारी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगी, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगी तो हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो. मतलब कि अगर हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो किस वजह से होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से होगा. एंड स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा. सो कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेज, ब्लड प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज. नाउ इसको हम थोड़े डिटेल में पढ़ते, मतलब कि किस लैंग्वेज में हमें लिखना चाहिए. The pressure of arterial system depends upon the volume of blood it contains, in which it turn depends upon the stroke volume and the cardiac output. So when cardiac output increases, blood pressure also increases. Then उसके बाद बात करें हम इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल की. तो हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल, ये हमारा एज से रिलेटेड भी हमारा पॉइंट आता है इसमें, कि जो हमारी इलास्टिसिटी है, जो हमारी ब्लड प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू द इलास्टिसिटी ऑफ द वेसल्स. द इलास्टिसिटी ऑफ द वेसल्स इज ड्यू टू द अमाउंट ऑफ इलास्टिक टिश्यू. जो हमारे ब्लड वेसल्स में इलास्टिक टिश्यू है, हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल्स में जो इलास्टिक टिश्यू है उसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी है. और जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी उतना ही कम हमारा ब्लड प्रेशर होगा, क्योंकि वो ईजिली क्योंकि प्रेशर कब अप्लाई होता है हमारा, जब कोई हमारा रिजिड ऑब्जेक्ट होता है, तो उस पे जब हमारा कोई भी चीज़ हम उसको फोर्स, उसकी तरफ फोर्स से भेजते हैं, तो वहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होता है उसे हम कहते हैं. पर वहीं पे अगर ये जो सरफेस है वो हमारा इलास्टिक होगा, तो ये जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मूव करने लग जाएगा, ये अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करने लग जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, मतलब कि जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. सो यही केस होता है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड में, ब्लड वेसल्स में. तो जितने ज़्यादा इलास्टिक टिश्यू होगा उतना ही कम ब्लड प्रेशर होगा, क्योंकि वो अपना सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा इंक्रीज कर पाएगा. एंड वहीं पे ही हम बात करें कि ओल्ड एज में क्या होता है, कि ओल्ड एज में हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है, वहीं पे हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो इलास्टिक टिश्यू है ब्लड वेसल्स का उसकी अमाउंट बहुत कम होने लग जाती है, एंड इलास्टिसिटी हमारी रिड्यूस होने लग जाती है. एंड ड्यू टू दिस इलास्टिसिटी इज रिड्यूसेस, देन आवर ब्लड प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज. और इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. इन ओल्ड एज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम आयन और कोलेस्ट्रॉल, द ब्लड वेसल्स बिकम लेस इलास्टिक,
सो देयर इज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। तो मैंने आपको बता दिया कि इलास्टिसिटी पे कैसे डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर, क्योंकि अगर किसी रिजिड ऑब्जेक्ट पे हम कोई भी चीज फोर्स, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, तो वहीं पे अगर जो हमारा एरिया होगा रिजिड ऑब्जेक्ट पे जो हम फोर्स लगा पाएंगे वो उसको कहीं पे ट्रांसफर नहीं कर पाता रिजिड ऑब्जेक्ट, वो उसी एरिया पे, उसी पॉइंट ऑफ एरिया पे लगा रहता है। वहीं पे इलास्टिसिटी, क्योंकि प्रेशर है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, तो मतलब कि प्रेशर हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। सो जैसे अगर कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है वो अपना एरिया इंक्रीज नहीं कर पाता तो उसका उतना ही पर्टिकुलर एरिया होता है, वहीं पे उसकी उसके ऊपर फोर्स हम बढ़ाएंगे तो फिर हमारा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि तो फिर अगर हम रिजिड ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर रिजिडिटी की बात करें तो प्रेशर हमारा एरिया कांस्टेंट हो जाएगा, तो प्रेशर एरिया पे तो डिपेंड नहीं करेगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फोर्स के। तो जैसे जैसे हम फोर्स इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। वहीं पे अगर इलास्टिसिटी की बात करें तो जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे अपने इस इलास्टिक ऑब्जेक्ट पे तो वो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज होगा। सो दैट्स द फैक्टर हाउ इलास्टिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड प्रेशर। देन उसके बाद हम बात करें पोस्चर ऑफ बॉडी। सो पोस्चर में क्या है कि जो हमारा हार्ट का लेवल है, मतलब कि अगर ये मान ले कि हमारी ये बॉडी है, हमारा हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, सो अगर हम ऊपर की तरफ, जब हार्ट ऊपर की तरफ ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है तो उसे फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा ऊपर की तरफ भेजने के लिए, मतलब कि उस कम फोर्स अप्लाई होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि वो वर्क होगा हमारा अगेंस्ट ग्रेविटी, तो कम फोर्स अप्लाई होगा। मतलब कि अगर देखा जाए तो जित फोर्स की या फिर अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क हो रहा है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होगा, वहीं पे अगर टूवर्ड्स द ग्रेविटी हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा तो वो बहुत जल्दी भी होगा। क्यों जल्दी होगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसे पुल कर रहा होगा, तो वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे सिर्फ हार्ट फोर्स लगा रहा है, एंड यहाँ पे हमारा हार्ट भी फोर्स लगा रहा है और ग्रेविटी भी फोर्स लगा रही है। सो हमको पता है प्रेशर हमारा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो इसकी वजह से हमारा फोर्स इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से हमारा प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और ये हमारी वैल्यू है। तो ब्लड लेवल मतलब कि प्रेशर इंक्रीज होता है 8 mm ऑफ Hg पर ऑफ एवरी 10 cm, हर 10 cm पे बिलो द हार्ट लेवल, ये हार्ट लेवल के नीचे की बात हो रही है, बिलो द हार्ट लेवल एवरी 10 cm 8 mm ऑफ Hg ब्लड प्रेशर इज इंक्रीजेस। देन उसके बाद बात करें हम ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम वही आ जाती है फिर हमारी कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड वॉल्यूम। सो व्हेन देयर इज मोर ब्लड वॉल्यूम देन द ब्लड प्रेशर इंक्रीज, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगी, हमारी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। सो ब्लड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड प्रेशर। सो इन दिस वे ब्लड वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन। देन हमारा सिक्स्थ फैक्टर की बात करें तो हमारा सिक्स्थ फैक्टर है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो दोस्तों टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल टू द पासेज ऑफ द ब्लड ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो जैसे ही हमने फ्लूड हमारा जब भी ट्रांसपोर्ट होता है तो उसे फ्रिक्शन प्रोवाइड होते हैं उसके सरफेस से, जिस सरफेस या जिस कंटेनर में से वो पास होता है, तो यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल से उसे पास करने में हेल्प कर रही है ब्लड को, और ब्लड एक फ्लूड है, तो वो हमारा फ्रिक्शन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं ब्लड वेसल्स की वॉल्स। तो ये किस चीज़ से इफेक्ट होता है? ये मेनली इफेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब ब्लड को मतलब कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब कि वो मोर फोर्सफुली ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लड वॉल्स ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि जितना ज़्यादा फोर्स यहाँ पे इंक्रीज होगा उतना ही यहाँ पे भी इंक्रीज होगा। सो इन जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स विल इंक्रीजेस द आर्टरियल प्रेशर, और जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर्टरियल प्रेशर के, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा ब्लड वेसल्स में उतना ही हमारा जो होगा ब्लड वेसल्स पे या ब्लड वॉल्स पे जो प्रेशर होगा वो अप्लाई होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। सो दैट्स वाई द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड प्रेशर।
हेयर आवर वीडियो इज कम्प्लीटेड, मतलब कि हमने बात कर लिया कि ये 6 फैक्टर्स हैं, मेनली ये 6 फैक्टर्स हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बट जो मेन फैक्टर्स है वो ये 6 फैक्टर्स हैं। इसकी एक मैं अभी डायग्राम दिखाऊंगा आपको, उसमें देखना कि कैसे ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कसिंग अबाउट द कंट्रोल, न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। कई वीडियोस में मैंने देखा है कि वो इन फैक्टर्स में ही उनको भी इन्वॉल्व कर देते हैं, पर उसकी वजह से हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जो फैक्टर्स हैं, मेनली जो फैक्टर्स हैं वो ये 6 फैक्टर्स हैं, वो हमारा कंट्रोल है, नर्वस कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द ब्लड प्रेशर, उसको हम फैक्टर्स में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। फ्रेंड्स दैट्स आवर फ्लो चार्ट। तो ब्लड प्रेशर हमारे इन 6 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है हमारा एज, एज एज इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस। सेकंड, एज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्लड प्रेशर। सेकंड है हमारा कार्डियक आउटपुट, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा ब्लड प्रेशर। एज कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस, एज आवर ब्लड प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। इलास्टिसिटी के हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एज इलास्टिसिटी इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस। पोस्चर के हम देखे जाए तो बिलो द हार्ट लेवल ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज, वेयर एज अबव द हार्ट लेवल ब्लड प्रेशर डिक्रीजेज। सो इट इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोस्चर ऑफ बॉडी। ब्लड वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एज ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज। एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के भी हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्लड प्रेशर, एज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज। सो हेयर आवर वीडियो इज कम्प्लीटेड। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ अस। एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट माई वीडियोज। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर द सपोर्टिंग 220 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर द 220 250 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।